यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे एक नए और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा यानी कि कम से कम 2 मंथ के बाद लिटरली आ रहा होगा। सो गाइस, मैं जो हूँ कि मतलब मेरा स्कूल ओपन हो गया है। सो मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे, स्कूल गया, स्कूल से 11 बजे आया और उसके बाद मतलब ज़्यादा थके हुए रहते तो सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है, सोने के बाद सीधे उठते हैं मतलब 2 बजे 3 बजे उस टाइम उठते हैं। तो बस वहाँ से कोचिंग मतलब ट्यूशन आते हैं सर पढ़ाने, वहाँ चले जाते हैं और बस इतना लेट, फिर 6 बजे छुट्टी मिलती है। तो भाई ब्लॉग का कोई है नहीं, तो आज है संडे इसलिए मैं सोचा कि आज ब्लॉग बना लूँ। तो गाइस अभी सुबह के 8 या 8:30 हो रहे होंगे। सो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सोचते हैं कि अब थोड़ा रेगुलर व्लॉगिंग करने लगे क्या कोई। और भाई आपको हाँ एक स्पेशल चीज़ बतानी थी कि भाई हम लोग के 94 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस 100 सब्सक्राइबर होने, 6 सब्सक्राइबर बाकी है भाई, तो जल्दी से करवा दो यार। बहुत मतलब मैं आपको बता दूँ कि मैं यूट्यूब पर आया था, तो मैं आया था लगभग आज से 1 या 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल पहले तो मैंने चैनल बनाया था। उस टाइम मुझे गेमिंग का बहुत मतलब जुनून चढ़ा हुआ था कि भाई मैं गेमिंग करूँगा। तो भाई उस टाइम गेमिंग वीडियो बनाया, उस पर मतलब सक्सेस नहीं मिली, उसको छोड़ दिया। फिर 8 चैनल बनाए, 8 चैनल पे भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। फिर स्टेटस चैनल बनाया, उस पर भी नहीं कुछ हुआ, उसको भी छोड़ दिया। मतलब ऐसे करते 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 मतलब नहीं तो मैंने कम से कम 10 चैनल बनाए होंगे, 10 को मैं डिलीट कर दिया। और अभी से मतलब समझो तो 6 या 7 महीना पहले, तो इसलिए मुझे भी ख्याल है यार मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकता, मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। सो गाइस इसलिए मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया। तो फर्स्ट व्लॉग डाला, सेकंड व्लॉग डाला, कुछ दिन तक लगातार व्लॉग डालते ही रहा। उसके बाद मतलब धीरे 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 उस पर से मन हटने लगे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भाई इस पर हमको सक्सेस चाहिए। तो भाई इस पर मतलब लगातार मतलब ये हुआ। उसके बाद फिर मैं सोचता था यार व्यू नहीं आते, ये नहीं आते, 10 व्यू 12 व्यू ऐसे आते हैं। फिर मैंने शॉर्ट्स डाला तो उस पर 4K 2K, हम बोला हाँ भाई इस पर हम कर सकते हैं। सो भाई इसलिए मैंने अभी तक इस चैनल को मतलब बरकरार रखा है। सो आप लोग की मतलब दुआ से अगर हो सके तो ये भी चैनल मतलब जल्दी ग्रो हो सकता है। सो धूप इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ हो रखी है ना, आपको दिखाता हूँ मैं, इतनी ज़्यादा तेज़ मतलब धूप हो रखी है क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा तेज़। और नीचे काफ़ी मतलब नॉइज़ आती रहती, तो नॉइज़ में मतलब ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता भाई, इधर से वो चिल्लाए इधर से वो चिल्लाए, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया ब्लॉग बनाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसलिए इस पर 1 लाइक जरूर बनता है। एकदम लाइक का बटन ठोक के एकदम उसको उड़ा दीजिए, फाड़ दीजिए वहाँ से। फिलहाल आ चुके हैं हम लोग नीचे और भैया जी अपना मोबाइल चला रहे हैं। इनका बस दिन भर का यही काम है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते। हमको लगता है इनका मोबाइल से शादी हो गया सर, मतलब दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो बस इनका यही काम है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं। सो अभी मतलब ज़्यादा धूप पड़ा है बाहर, तो कहीं बाहर जा नहीं जा सकते। सो फिलहाल सोचते अभी एक नींद मार लो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस सोना वोना तो है नहीं, और आप लोग अभी ये भी सोच रहे हैं कि इस बंदे की क्वालिटी अभी इतनी भद्दी थी, इतने सही कैसे हो गए। तो भाई अभी भाई जी गए नहाने और मैं उनका मोबाइल चुपके से ले लिया हूँ बस वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी जो आर्ट्स है वो कैसी है। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ये है मेरी पहली बुक, तो इसको खोल के दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट ड्राइंग मैंने लिया था, तो ये बनाया था इंडियन फ्लैग। उसके बाद मैंने मज़े मज़े में ये बना दिया काफ़ी भद्दा सा। उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, रंगोली टाइप होता है, उससे बनाया था मैंने। उसके बाद ये जैस्मिन मैंने कॉपी में से बनाया था। उसके बाद ये माँ बेटी बनाई थी। उसके बाद एक ये जोकर मैंने वाटर कलर लिया था, उसी से बनाया था। उसके बाद बनाया था मैंने एक ये बर्ड, और एक ये एलिफेंट, और एक ये स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद एक ये बर्ड बनाया था मैंने, काफ़ी अच्छा। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताओ। उसके बाद कोचिंग के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, फोटो सिंथेसिस का, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा। और गाइस एक मैंने बस 2 दिन पहले ही एक नया बुक लिया, उसमें मैंने ड्राइंग बनाया था। ये देख के बताइए, ये पेंसिल कलर से मैंने बनाया है एक दोनों, ये और एक ये नीचे स्केच बनाया था। तो आपको ये कैसा लग रहा है ये बताना, आगे कुछ किया नहीं, अभी सोचेंगे इसमें क्या बनाना है। यही थी मेरे बहुत दिन हुए आर्ट, और आप देख के बताना कि आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो
और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक पटाख से पहुँच जाए। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय।